हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम, 9 बज चुके हैं। हस्बैंड जो है वो जा चुके हैं ऑफिस। खाना वगैरह मैंने उनका बना के दे दिया है, आप देख ही सकते हो। मेरा किचन जो है वो अभी मैस हो रहा है सारा, क्योंकि अभी खाना बनाया है। और अभी जो है मेरे घर का वर्क चल रहा है। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने अपना फ्रिज और जो ओवन है वो यहाँ रख लिया था, लेकिन मैंने फिर से उसको चेंज किया। मेरा दिमाग फिर घूमा और मैंने अब अपना फ्रिज यहाँ पर लगा लिया और अपना ओवन यहाँ पर लगा लिया, और उधर हो गया मेरा टेम्पल। अभी मैंने उसको ढका हुआ है क्योंकि पर्दा नहीं है उसमें, तो इसलिए रात को मैंने ढक दिया था। अभी मैं नहाऊंगी तब उसके बाद उसे हटाऊंगी, क्योंकि अभी नहाई नहीं हूँ तो इस वजह से। और अभी जो है अभी ले रहा बाहर का नजारे का मजा, क्योंकि बाहर है और ये बारिश, मौसम है खराब। बारिश हो रही है? हाँ, आदमी कह रहा बारिश हो रही है। बारिश कहाँ हो रही है? बारिश बताओ, ऊपर बारिश हो रही है? ऊपर ओ, पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ बेटा, आदमी पीछे हो जाओ, बारिश में मत भीगो, पीछे हो जाओ। और सुबह सुबह का नजारा यहाँ का बहुत अच्छा रहता है। सामने मिलते हैं कबूतर देखने को, और तोते वो दाने डालते हैं तो वो खाते हैं, देखने को मिलते हैं। और इधर साइड में खेत हैं तो बड़ी ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवा चलती रहती है यहाँ पर, बढ़िया मजा आता है। और बस अभी का अपडेट यही है। और अभी जो है मैं अपने घर के काम में लगूंगी दोबारा से। क्या बिट्टू, बारिश में भीग जाओगे तो अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब मुझे मजा नहीं आता, आपको मजा आता है? तो आप, मेरे को नहीं आता, आपको आता है मजा? नहीं तो फिर अंदर आओ, अंदर आओ फिर। नहीं, उसको वहीं रहना है। तो अभी मैं फटाफट से सोच रही हूँ पहले नहा लूँ, क्योंकि नहा धोकर उसके बाद पूजा कर लूँ और फिर मैं और बाकी काम में लगूंगी। तो अभी की अपडेट यही है। और मैंने पहनी अपने हस्बैंड की टी शर्ट आज। मुझे ना सुबह ठंड लग रही थी, कुछ मिला नहीं जल्दी जल्दी में, तो मैंने यही पहन ली। तो चलो फटाफट से अपने काम में लग जाते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद पूजा करने के बाद फिर नाश्ता भी बना लूंगी अपना और अद्विक का, नाश्ता भी कर लेंगे हम दोनों टाइम पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे काम होता रहेगा, क्योंकि अभी भी मुझे कुछ चीजों में बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो मैं वो सोच रही हूँ कि आज पहले नहा लूं और पूजा कर लूं, नाश्ता कर लूं, उसके बाद मैं काम में लगूंगी। क्योंकि आज ज्यादा काम नहीं है, ज्यादातर मैंने सारा मोटा मोटा काम जो वो अपना कर लिया है, थोड़ा ही काम है। तो बस मैं उस थोड़े काम को फटाफट से कर लूंगी, फिर शाम को जाऊंगी मैं आज मार्केट। विशाल जाना है मुझे, कुछ घर के सामान है जो मुझे लेके आने हैं, कुछ चीजें, तो वो मैं आपको शाम को ही बताऊंगी क्या लेके आना है मुझे। घर की कुछ डेकोरेशन का सामान, पर्दे लाने हैं, क्योंकि जो मेरे पर्दे हैं वो यहाँ के हिसाब से छोटे हैं, तो इस वजह से मुझे पर्दे लेके आने, यहाँ पर्दा लगाना है क्योंकि यहाँ जाल है, तो यहाँ से फिर मच्छर वगैरह आते हैं, हवा आती है ठंडी, बाहर पर्दा लगाना है, तो इस वजह से पर्दे जो हैं वो छोटे हैं। विंडो के पर्दे फिर भी ठीक है, लेकिन गेट के पर्दे छोटे पड़ रहे हैं, तो इस वजह से मैं पर्दे लेके आऊंगी। और ही चीजें लेके आनी है दो चार, और कुछ अच्छा लगा वो भी ले आऊंगी। तो चलो मिलते हैं मैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी नहाकर और अब मुझे करनी थी पूजा। तो अभी मैं जो है पूजा कर की तैयारी कर रही हूँ, अपने दीपक को अच्छे से धो धो लूँगी और अपने मंदिर को जो है थोड़ा सा साफ करने के बाद में उसके बाद में मैं है जोत जलाऊंगी। और अद्विक को भी मैंने नहला दिया था, अद्विक को भी तैयार कर दिया था नहलाकर, तो अद्विक भी नहा धो के तैयार है। बस अभी मेरा घर का कोई काम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मैं नहाई हूँ और नहाने के बाद सिर्फ पूजा करी है। तो अभी मैं जो है पूजा कर रही हूँ। तो बस मेरी जो पूजा है वो हो गई है, कंप्लीट हो गई है। और मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता, तो मैं बना रही थी सबसे पहले अपने लिए चाय, क्योंकि नहाने के बाद है ना चाय पीने का मन जरूर करता है। चाय मैं पहले पी लूँ चाहे कुछ भी पी लूँ, पर नहाने के बाद मुझे चाय जरूर चाहिए होती है। तो बस एक तरफ मैं बना रही थी पराठे और एक तरफ बना रही थी मैं चाय, क्योंकि मैंने बनाई थी आज दाल, तो मेरा भी सुबह सुबह दाल खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो पराठे बना लिए जाएं। अद्विक भी जो है पराठे बड़े शौक से खाता है, तो फटाफट से मैंने जो है अपने लिए और अद्विक के लिए घी के पराठे बनाए और उधर मेरी
चाय बन रही थी, फिर पराठे वगैरह बनाकर और चाय बनने के बाद में हम लोगों दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद में जो है मैं आ गई थी अपनी किचन में, अपनी किचन को क्लीन करने के लिए। तो बस मैं लग गई थी अपने किचन को क्लीन करने के लिए, जो मैंने दाल बनाई थी उस दाल को मैं अलग निकाल के रख रही थी, निकाल के रखा था। और उसके बाद में और काम में लग गई थी फटाफट से घर को मैं क्लीन करने में। पहले से सबसे पहले जो है ना किचन क्लीन हो जाती है ना, तो पूरा घर फिर है ना आराम से क्लीन हो जाता है। जब तक किचन जो गंदी रहती है तो ना घर भी ऐसे लगता रहता है गंदा गंदा सा, तो इसलिए सबसे पहले जो है मैं किचन को ही क्लीन करती हूँ, किचन को ही साफ करती हूँ अच्छे से। उसके बाद ही मैं जो है घर में और दूसरा काम करती हूँ। और फिर उसके बाद में मुझे आज जो है घर का घर में बहुत और भी काम थे, क्योंकि मुझे सामान जो है अपना दोबारा से इधर से उधर शिफ्ट करना था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को है ना अपना तब तक 4-5 बार मैं अपने सामान को इधर से उधर शिफ्ट नहीं कर लूँगी ना, तब तक मेरे को तसल्ली नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बस मैं जो है सबसे पहले सोचा कि पहले किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद में जो है फिर मैं और काम करूँगी। तो अद्विक आया था मेरे पास यहाँ पर अपनी कार को ऑन करने के लिए, तो अभी मैं यहाँ पर अद्विक की बोतल को सबसे पहले साफ़ करूँगी। और आप लोग देख सकते हैं मेरा जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है, और कुछ इस तरीके का है मेरा किचन अभी लग रहा है। और यहाँ पर मुझे लाना है बर्तन धोने का रखने का स्टैंड एक, वो जो मैं लेके आऊँगी आज शाम को जाकर। तो चलो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय, आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट।